हेलो एवरीवन, रिया खुशी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ़ दाल पराठा। तो चलिए इसको बनाने चलते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है, उसे गर्म कर लिया है। इसमें जीरा डाल देंगे। जैसे ही जीरा चटक जाए, इसमें बारीक कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च को ऐड करना है, इसे ब्राउन करना है। और फिर हम इसमें चने दाल को, जिसको मैंने सोक करके 1 से 2 घंटे तक रखा है, वॉश किया है, इसमें ऐड करेंगे। और साथ में हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसे सूखने तक पका लेंगे। इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से इसका स्टफिंग तैयार हो गया है। तो चलिए पहले अब आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ मैंने आटे में थोड़ा सा नमक और तेल लेके सॉफ्ट इसे गूंद लिया है। अब एक बड़ा सा पेड़ा निकाल लेंगे और इसे सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे और एक कैविटी बना लेंगे, जिससे कि हम स्टफिंग को भर सके। और इसमें अच्छे से स्टफिंग को भरना है, सील कर लेना है इसे अच्छे से। और पहले हाथों से बड़ा करेंगे, फिर इसे बेलते हुए हल्के हाथ से तैयार कर लेंगे। और इस तरह तवे पे इसे हमें हल्का घी लगा के क्रिस्प होने तक फ्राई करना है, दोनों तरफ से पलट कर। बिल्कुल क्रिस्प हो जाएंगे और इस पे अच्छे से स्पॉट आ जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे पराठे बन के तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।